हेलो फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जब भी हम चाट का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऑयली, मसालेदार और चटनी वाली चाट आ जाती है। पर आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी कॉर्न चाट। ये कॉर्न चाट हेल्दी और टेस्टी होने के साथ साथ इजी और क्विक भी है, और इस कॉर्न चाट को यदि हम रोज भी खाएं तो भी ये हमारी सेहत पर भारी नहीं पड़ेगी। तो आइए अब हम इस हेल्दी कॉर्न चाट के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पर प्लीज, इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जी हाँ, बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी सारी रेसिपीज आप तक तुरंत पहुंच सके। हेल्दी कॉर्न चाट बनाने के लिए हमें चाहिए एक चम्मच बटर, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, ये बारीक सेव हमें लेनी है, और ये मसालेदार हमें मूंगफली के दाने लिए हैं। इसकी रेसिपी मैंने खाली सिंह और मसाला सिंह की रेसिपी यूट्यूब पर अपलोड की है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं या बाजार से भी ला सकते हैं मसालेदार दाने। और ये मैंने एक प्याज को बारीक कट कर लिया है, नींबू का हमें रस लेना है, शिमला मिर्च को मैंने बारीक काट कर लिया है, नमक हमें लेना है, हरा धनिया बारीक कट करके लेना है, ये मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं बॉइल किए हुए, और ये एक खीरा ककड़ी जिसे हमें बारीक कट कर लेना है, एक टमाटर बारीक कट कर काट कर लेना है, और एक हरी मिर्च को भी बारीक कट करके हमें लेना है। कॉर्न चाट बनाना बहुत ही इजी है, बहुत क्विक रेसिपी है। सबसे पहले हम पैन गरम करेंगे और कॉर्न को हमें बटर में सौते करना है, इसलिए हम ले रहे हैं एक चम्मच बटर इसमें लेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं एक प्याज बारीक कटा हुआ, हल्का सा इसे सोते करेंगे, फुल फ्लेम पर ही रखना है, हमें ज्यादा गलाना नहीं है, और साथ में डाल देंगे एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और अब हम इसमें डालते हैं कॉर्न। ये मैंने फ्रोजन कॉर्न लिए हैं, ये पावर बॉइल किए हुए होते हैं, आप फ्रेश कॉर्न ले रहे हैं, फ्रेश स्वीट कॉर्न, तो आप इसको बॉइल करके लीजिए। फुल फ्लेम पर हमें इसे हल्का सा सोते करना है। मैंने इसे थोड़ा सा सोते कर लिया है फुल फ्लेम पर, बहुत ज्यादा बिल्कुल गलाना नहीं है, हमें क्रंची रखना है। और अब हम इसमें डाल देते हैं एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ज्यादा तीखी हुई मिर्च नहीं है ये, इसका क्रंच भी बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, हम इसमें डाल देते हैं स्वाद के लिए, थोड़ा चिली फ्लेक्स हम इसमें डाल देंगे, और आप आपकी इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, ऑलमोस्ट हाफ टीस्पून में डाल रही हूँ, और थोड़ा सा नमक हम इसमें डालेंगे, चाट मसाला डाला है इसलिए नमक भी संभाल कर कम डालना है हमें, और फिर से मिक्स कर देते हैं सबको। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसे बॉल में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा करेंगे हम इसे। ये अब हमारे कॉर्न थोड़े ठंडे हो गए हैं। मैंने एक नाचोस विद कॉर्न साल्सा रेसिपी भी यूट्यूब पर अपलोड की है, बहुत ही हेल्दी टेस्टी रेसिपी है, आप जरूर उसे देखिए। और ये भी हम बहुत ही हेल्दी कॉर्न चाट बना रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक खीरा ककड़ी, कुकुम्बर बारीक कट करके इसमें मिक्स कर देते हैं, और साथ में मिलाएंगे एक टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़ा हरा धनिया हम इसमें काट कर मिला रहे हैं बारीक, और अब मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ी सी मसालेदार मूंगफली, ये भी आप रेसिपी यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ बारीक सेव या नमकीन, आप आपकी इच्छा अनुसार मिला सकते हैं, और साथ में अब हम थोड़े से चिली फ्लेक्स और कुकुम्बर और ये सब जो हमने ऊपर से डाला है इसके लिए थोड़े से चिली फ्लेक्स और मिला देते हैं, और थोड़ा चाट मसाला और मिला देंगे, और थोड़ा सा नमक, बहुत ही संभाल के नमक डालना है कम, क्योंकि ऑलरेडी हम चाट मसाला डाल रहे हैं और पहले से भी हमने नमक डाला हुआ है।
अब मैं सबको मिक्स कर देती हूँ। सबको मिक्स करके हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये हमारी हेल्दी और टेस्टी कॉर्न चाट रेडी है। ये हेल्दी कॉर्न चाट ब्रेकफास्ट में हम वीक में एक बार तो जरूर बना सकते हैं। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।